अगला क्वेश्चन, अगला क्या कहता है कि हेड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड ऑन, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड, हेड मतलब प्रेशर, किस बात पर डिपेंड करता है? हेड का मतलब प्रेशर। अब प्रेशर का मतलब ये समझिए कि आपका पंप कितना पानी दे सकता है, कितना सॉरी कितनी ऊंचाई तक दे सकता है। भैया जितनी ज्यादा ऊंचाई देगा पानी, इसका मतलब उतना ही ज्यादा प्रेशर है, तभी तो ज्यादा ऊंचा तक पानी दे रहा है, नहीं तो चढ़ेगा ही नहीं पानी। कम प्रेशर है तो कम दूरी तक चढ़ेगा। तो यही कह रहा है, हेड पूछ रहा है, हेड का मतलब वही प्रेशर, और प्रेशर का मतलब कितना ऊंचाई तक चढ़ रहा है, एक किस बात पर डिपेंड करेगा। तो कह रहा है ऑप्शन की साइज ऑफ इंपेलर, इंपेलर के साइज पर डिपेंड करेगा, और दूसरी बात स्पीड पर डिपेंड करेगा। तो सही बात है, दोनों पर डिपेंड करेगा, इंपेलर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। किसमें प्रेशर क्रिएट करेगा? केसिंग में। इंपेलर के आधार पर तीन तरह के सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं, ओपन, सेमी ओपन और क्लोज, और केसिंग के आधार पर भी तीन तरह के होते हैं, डिफ्यूजर, वोर्टेक्स और वॉल्यूट। आगे हो जाएगा, वॉल्यूट कभी कभी आ जाता है, वॉल्यूट और डिफ्यूजर टाइप, बहुत आसान है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टाइप के पंप का, सेंट्रीफ्यूगल पंप का या रेसिप्रोकेटिंग पंप का, किसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा है, किसको खरीद के लाने में और सेट करने में ज्यादा खर्चा लगता है? तो याद रखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप के पार्ट्स बहुत सारे होते हैं, पिस्टन होते हैं, सिलेंडर होते हैं, रड होते हैं, कनेक्टिंग, आम ताम दुनिया भर का झाम, और पानी में चलना है तो सारे के सारे नन को रिसीव होनी चाहिए, मतलब अच्छे मेटल का होना चाहिए, उसमें सिलेंडर में पिस्टन मूव करता है, तो ऐसा भी मेटल नहीं होना चाहिए कि जंग लग जाए, यहां पर जंग लग जाए अब इसके पिस्टन के चारों साइड भी जंग लग जाए, हाईली नॉन कोरोसिव मेटल होना चाहिए, तो ज्यादा पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में इंपेलर घूम रहा है, और इंपेलर के बाद खाली जगह होता है, और फिर ऊपर से केसिंग होता है, थोड़ा बहुत कोरिजन लग भी गया, थोड़ा बहुत ज्यादा लग भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लो क्वालिटी का मेटल भी चलेगा। अब बहुत सिंपल है भी, एक इंपेलर ऊपर से केसिंग बस, लेकिन इसमें पिस्टन सिलेंडर पता ना क्या 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 क्या, तो ज्यादा कॉस्ट रेसिप्रोकेटिंग पंप में लगता है, याद रखना है। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस फिलिंग वाटर इन केसिंग एंड सक्शन पाइप। हम लोग कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऊपर से पानी देते हैं, स्टार्ट करने के पहले ऊपर से पानी देते हैं, कभी कभी नहीं देते, जब देख देते हैं कि पानी नीचे तक चला गया है, छोड़ दिया है, तब देते हैं। आपका ऐसे देना तो चाहिए हमेशा, देना चाहिए हमेशा, और न भी दीजिएगा तो ज्यादा बड़ी नुकसान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान है। अगर न दीजिएगा, चला दिए तो हो सकता है कि 3-4 सेकंड के बाद पानी आए, तो उस पानी के अंदर हवा भी, अंदर हवा भरा होता है ना, पाइप में हवा है, पानी का लेयर तो नीचे है, वो हवा पानी मिल जाता है, मिल जाता है तो वही केविएशन क्रिएट होता है, और केविएशन क्रिएट होता है तो पंप को थोड़ा बहुत नुकसान होगा। डिलीवरी पाइप और जो जितने भी सक्शन पाइप के वाल है ना, उसको नुकसान होगा थोड़ा बहुत, और कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए पंप को स्टार्ट करने से पहले ऊपर से हम डिलीवरी पाइप से पानी भर देते हैं। कहाँ तक? आई तक। सक्शन पाइप को तो भरते ही भरते हैं, पंप के आई तक भर देते हैं,
ताकि जब पानी भरेंगे तो जितना हवा है वो सब ऊपर आ जाएगा। अब नीचे बच गया पानी, पानी हवा का एक भी बूंद नहीं है, हवा रहना ही नहीं चाहिए। अब पानी लेने लगा तो नीचे ग्राउंड वाटर आने लगा, पानी कहीं से जाने की संभावना नहीं है। जैसे ही पानी जाएगा तो केवियेशन बनेगा, अरे हवा चला जाएगा तो केवियेशन बनेगा, तो पंप का नुकसान हो सकता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइमिंग। एक क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड पर बताना चाहिए, हमारे पास क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दिखा दिखा करके, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना कहीं भी तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा कि यही सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं उस टाइम हमारा डिलीवरी वाल्व जो है वो बंद होना चाहिए कि खुला होना चाहिए, कि आधा खुला आधा बंद होना चाहिए, सेमी क्लोज होना चाहिए। तो आप लोग अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर गांव में चलते हुए देखे होंगे इरिगेशन पर्पज से, तो देखे होंगे कि जो आदमी हैंडल घुसा करके डीजल इंजन में और डीजल इंजन को स्टार्ट करता है तो करता क्या है कि पंप के डिलीवरी एंड पर, डिलीवरी पाइप के एंड पर ऐसे हाथ पकड़ लेता है, मतलब उसको बंद कर लेता है। ऐसे स्टैंडर्ड में तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो है कि उसमें वाल्व लगा होना चाहिए, लेकिन जहां पर नहीं लगे होते हैं, जहां पर सीधा ऐसे खुला होता है, पंप चला पानी इधर से निकलने लगा, तो यहां पर लोग क्या करता है ऐसे करके ऐसे पकड़ लेता है उसको कि बाहर से हवा इसमें न जाए, बाहर से हवा इसमें न जाए अंदर। पहली बात कि बाहर से न जाए, और दूसरी बात जब इंपेलर चलेगा तो नीचे के हवा को बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा और हम इधर से पकड़े हैं तो यहां पर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा ना तो केवियेशन की कम संभावना होगी। इसीलिए जब हम पंप को स्टार्ट करते हैं तो हमारा डिलीवरी वाल्व पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या है। आ जाइए कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, देखिए बड़ा जरूरी चीज है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रा करते हैं तो सीधा नहीं आता है कर्व, सीधा नहीं बनता है, लाइन की तरह नहीं, ऐसे तिरछा इधर ऐसे बनेगा, कभी ऐसे ऊपर जा रहा है फिर घटेगा फिर ऐसे जाएगा। आप लोग नेट पर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व डाल के देखिए, पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखिए, दो तीन उल्टा सीधा लाइन आएंगे ऐसे ऐसे। ये लाइन क्या बताता है, ये उल्ट एक कर्व लाइन, टेढ़ा लाइन नहीं बताता है कि स्पीड ज्यादा बढ़ेगा तो डिस्चार्ज थोड़ा, डिस्चार्ज उस रेशियो में नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा। स्पीड दो गुना बढ़ेगा तो प्रेशर दो गुना नहीं बढ़ेगा, प्रेशर चार गुना बढ़ जाएगा। स्पीड को अगर हम दो गुना बढ़ाना चाहे तो बिजली की खपत दो गुना नहीं बढ़ेगी, वो आठ गुना बढ़ जाएगी। ये सब काम है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, कंपनसेटिंग करता है, ये समझौता करता है। इसीलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं कहते हैं, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी में आता है। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप के केस में अगर आप उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखिए तो जितने भी कर हम आएंगे ना उसमें लगभग स्ट्रेट लाइन आएंगे, सीधा सीधा रिलेशन है, कोई गुंजाइश नहीं है तिरछा होने का, बढ़ करके घटने का कोई गुंजाइश नहीं है, बढ़ रहा है तो सीधा बढ़ेगा, लेकिन इसमें बढ़ रहा है फिर घटने लगेगा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के आधार पर ही बोला गया है नॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, कोई बात नहीं आगे और क्लियर होगा किस किस आधार पर बोला गया है। हाँ तो क्वेश्चन ये था कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो कितने पैरामीटर के बीच का रिलेशन है। तो देख लीजिए जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनाते हैं तो हम लोग नीचे डिस्चार्ज रखते हैं एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हेड,
और